हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैव रसायन अध्याय में अपना जैव अणु सेकंड प्रोटीन आज अध्ययन करेंगे। प्रोटीन आपका एक कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से मिलकर बना होता है, जो उच्च अणुभार वाला यौगिक होता है। ध्यान समझिए, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से बना हुआ कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उच्च अणुभार होता है। मुख्यतः प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। क्लियर। अब अपन कहें कि प्रोटीन किसका बहुलक हुआ? एमिनो अम्लों का बहुलक हुआ। और एमिनो अम्ल में क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। तो परिभाषा क्या हुई? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का उच्च अणुभार वाला यौगिक क्या कहलाएगा? आपका प्रोटीन कहलाता है। क्लियर। इससे मिलकर बना होता है आपका ये एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें क्या क्या होते हैं? कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, और इसके अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। क्लियर। तो मुख्यतः हम किसकी बात करेंगे? एमिनो अम्लों की बात करेंगे। इनका अणुभार लगभग 10 से 20 हजार तक होता है, इनका प्रोटीन का। क्लियर। अगर अपन शरीर की बात करें तो शरीर में अपने काफी ऐसे भाग होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे बाल हुए, नाखून हुए, अपने रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में प्रोटीन उपस्थित होता है। तो शरीर के प्रत्येक भाग में अपने पास में प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जो किनके बने होते हैं? आपके एमिनो अम्लों के बने होते हैं। तो अगर बात करें अपन, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, परंतु एमिनो अम्ल एक निश्चित बंध के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे अंत में किसका? प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसको अपन यहाँ समझ सकते हैं प्रोटीन के जल अपघटन से। इसे समझ सकते हैं प्रोटीन के जल अपघटन से। प्रोटीन के जल अपघटन से अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको नोट्स में दे रखा है कि प्रोटीन का जल अपघटन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, प्रोटीन का अगर अपन जल अपघटन करवाएंगे तो अपने पास में सबसे पहले बनेगी यहाँ पर पेप्टाइड श्रृंखला। क्या बनेगी? पेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पर बनेगी। क्लियर। इसको अपन क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। क्लियर। क्या करवाया अपन ने यहाँ पर? इसका जल अपघटन करवाया। क्या करवाया? जल अपघटन करवाया। अब पेप्टाइड श्रृंखला का फिर क्या करवाएंगे अपन? जल अपघटन। क्या करवाएंगे अपन? इसका जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर मिलेंगे अपन को पेप्टाइड यौगिक। क्या मिलेंगे बेटा यहाँ पर? पेप्टाइड यौगिक। क्लियर। और अगर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो मिलते हैं अपन को क्या? एमिनो अम्ल। क्या मिलते हैं? एमिनो अम्ल। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन के जल अपघटन करवाने पर सबसे पहले पेप्टाइड श्रृंखला, जिन्हें अपन क्या कहेंगे? पॉली पेप्टाइड। फिर मिलेंगे पेप्टाइड यौगिक, और फिर मिलेंगे एमिनो अम्ल। अर्थात प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से। और अब तक कुल 20 एमिनो अम्ल ज्ञात है। अब तक कुल कितने? 20 एमिनो अम्ल ज्ञात है। क्लियर। तो ये आपका आज का प्रोटीन का परिचय था। इसके आगे अपन अब बात करेंगे एमिनो अम्लों के बारे में। इसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।